इस क्रैश कोर्स में हम वो सभी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि एग्जाम में आपका स्कोर बूस्ट होगा हो ही होगा तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम के अंदर इससे सवाल आते हैं और इस एक टॉपिक में कितना कुछ कवर हो जाएगा वो आप जब इस सेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे ना तब आपको मालूम होगा बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होने वाला है ये आपके लिए नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया मैं ये जीवित सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से एस एस सी अक्सर बहुत सारे सवाल निकाल के पूछ रही है और मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार तो ब्लेंडर ही हुआ है पेपर के अंदर कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया जो नेबरिंग कंट्री से वो चीज़ें पूछ ली गई कि उनके बारे में उनके प्राइम मिनिस्टर उनकी करेंसी कैपिटल प्रेसिडेंट वहां का नेशनल एंथम संसद के बारे में पता नहीं क्या क्या नेशनल फ्लावर बर्ड एनिमल ट्री सब कुछ पूछना शुरू कर दिया तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन रहने वाला है ना बहुत हद इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसको ढंग से देखना ठीक है जी चलिए पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की देखिए पूरे भारत देश के अंदर बांग्लादेश कहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे कर रहा है और ये आई थिंक लॉन्गेस्ट बाउंड्री भी है अगर आपको मालूम हो थोड़ा सा ये बांग्लादेश है ठीक है यहाँ पे मैंने फ्लैग भी दिखा दिया बांग्लादेश का या के साथ आगे कैपिटल इसकी ढाका है सबको मालूम है ये तो करेंसी टका है टका तो याद होगा पहले बहुत पुराने जमाने में भी टका चला करता था ठीक है अगर याद हो किसी को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है इनके बारे में भी वो जो चश्मे से वाली लेडी हैं है ना तो दूसरा प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद जी हैं और नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला या फिर अमी तोमे भालूभाषी तो, <laughs> तो रविंद्रनाथ टैगोर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखा है तो आपको ये नाम याद रखना है हमारे जो रबिंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम लिखा इन्होंने ही वहाँ का लिखा अब कमाल की बात ये है कि आप देखिए कि यह जो पाकिस्तान है इस तरफ ये सारा पाकिस्तान है अब जब डिवीजन हुई तो ये भी पाकिस्तान था ये सारे का सारा ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान वो हो गया वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पे है याया खान की सरकार और यहाँ पे किसकी सरकार थी सरकार नहीं कह सकते प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ के जो <coughs> मुजीब और रहमान ठीक है वही मेन सब कुछ लीड करते थे यहाँ पे अब दिक्कत ये थी कि जो यहाँ पाकिस्तान मेन पाकिस्तान के लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि ये यह लोग यहाँ पर भी आके रूल करें बट ये ये लोग चाहते थे कि इनके सभी रिसोर्स को हम ज़रूर यूज़ करें तो ये ऐसे करके ये एक किसने वॉर के फॉर्म ले ली थी बाद में और बाद में जब जो, जो रेफरेंडम या इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी जो यहाँ के बंदे थे उन्हीं को ज़्यादा वोटिंग्स मिल रही थी और याया खान की सरकार वैसे भी गिरने वाली थी तो उन्होंने क्या किया एक ऑपरेशन सर्च लाइट चला के और यहाँ पे यहाँ पे आके उन लोगों ने बहुत सारे हमले करने शुरू कर दिए इनको इनके ऊपर अट्रोसिटीज़ करनी शुरू कर दी पता नहीं कितने लोग कितनी विमेन के साथ रेप किया तो कॉलेज के जो छात्र होते थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक जीनोसाइड कह कह सकते इसको वो हुआ है यहाँ पे तो उस कारण से फिर बाद में इंडिया की इंटरफेरेंस होती है मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ बस मोटा मोटा बता रहा हूँ बाद में इंडिया की इंटरफेरेंस होती है क्योंकि भारत के लिए भी ये बड़ा पेचीदा मामला है आप देखिए कि इधर भी पाकिस्तान उधर भी पाकिस्तान अभी तो वही हैंडल नहीं हो रहा तो अगर इधर भी होता तो क्या होता तो भारत भी यही चाहेगा ऐसी सिचुएशन में कि इसको अलग ही कर दिया जाए उनसे ताकि अपने को कोई खतरा ना रहे अब एटलीस्ट आप देखिए कि यहां पे हमें कोई खतरा नहीं है नहीं तो फिर हमारे लिए देखिए कितना मुश्किल हो जाता अगर यहां यहाँ पाकिस्तानी होता तो आप देखिए कि कितनी सारी स्टेट्स हमारी लग रही हैं तो हम तो बस यही काम करते रह जाते कि यहाँ यहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर पे सुरक्षा करते रह जाते उस टाइम पे क्योंकि ये तो पाकिस्तान होता तो आप समझो इन चीज़ों को इसीलिए जो भी ये सिचुएशन इंडिया के लिए थी ये पक्ष में गई एक तरह से और वर्ल्ड वाइड पे इसको सपोर्ट किया गया बांग्लादेशी लोगों को और इसीलिए फिर इसको बाद में अलग ही कर दिया गया था 93,000 थ्री सोल्जर्स वर्ल्ड वार को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा ये सरेंडर माना जाएगा 93,000 थ्री सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के आगे घुटने टेक दिए समझ रहे हैं आप ठीक है आई थिंक उस टाइम पे इंडियन आर्मी में कौन लीड कर रहे थे जगजीत अरोड़ा उन्होंने ही वो अग्रीमेंट साइन किया था आपको याद हो अगर आपने फोटो देखी हो ना थोड़ा सा भी आप ढूंढते हो ऐसी चीजों के बारे में तो बहुत फेमस फोटो आपने देखी होगी गूगल पे ठीक है तो ये चीज़ है इसकी छोटी सी स्टोरी बता दी ताकि आपको याद रहे चीजें आगे बढ़े लैंग्वेज तो बंगाली बोली जाएगी आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के साथ टच में है तो वैसे ही आपको आइडिया लगना चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी 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 वही वही है वही और इंडिपेंडेंस डे देखिए नाइनटीन में ये चीज हुई है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर तो उसी से आपको अंदाजा होना चाहिए ये हिस्ट्री में भी पढ़ा रखा है आपको 26 मार्च 1971 तो आप देखिए कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि ये पाकिस्तान से कब अलग होता है 26 मार्च 1971 के अंदर अब पार्लियामेंट जो इसकी है उसका नाम है जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद भी बोल देते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको याद रखना है बहुत फास्ट में बढ़ना पड़ेगा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली याद करने वाली नेशनल सिंबल्स की बात करें बांग्लादेश में, में तो नेशनल फ्लावर इनका वाटर लिली है और नेशनल फ्रूट जो है जैक फ्रूट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैक फ्रूट कटल को ही बोलते हैं ना तो देख लेना नेशनल ट्री मैंगो ट्री है नेशनल बर्ड मैगपी रॉबिन रॉबिन हुड नाम सुना होगा वहाँ से याद रहेगा तुम्हें बांग्लादेश का रॉबिन हुड तो वो नेशनल बर्ड है नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर अब आप देखिए कि क्योंकि ये बांग्लादेश या बंगाल के साथ टच में तो रॉयल बंगाल टाइगर होगा वहाँ से याद कर सकते हैं नेशनल फिश इलिश या फिर हिलशा तो ये आपको सब चीज़ें याद करनी है बांग्लादेश के बारे में मैं बता रहा हूं कि इनमें से डायरेक्ट सवाल कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं अब इसके साथ मैंने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या ऐड कर दी कि बांग्लादेश जो शेयर करता है अपना बॉर्डर इंडिया और म्यांमार के साथ करता है आप देखो यहां तो पूरा इंडिया के साथ कर रहा है लेकिन ये देखो म्यांमार म्यांमार के साथ यहां पर भी कर रहा है ये यह देखो यहां पर ये म्यांमार के साथ कर रहा है तो कहने का मतलब कि बांग्लादेश को अगर सपोर्ट चाहिए होगी तो दो ही कंट्रीज़ इनमें इनके लिए व्यापार में हेल्प कर सकते हैं या सपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं कौन कौन सी एक तो म्यन्मार और दूसरा भारत हाँ ये जो रास्ता है पानी का समुद्र का रास्ता है वहां से ज़रूर कुछ हो सकता है लेकिन आप समझिए कि कितना मुश्किल है अगर मान लो कि इधर इनको मान लो पाकिस्तानियों को इन्हें कोई सपोर्ट करनी है तो कैसे करेंगे वो वो भैया इधर से समुद्र के रास्ते यूं होते 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 तो यूं आएंगे तो मतलब इतने में तो दुनिया की काया पलट हो जाए जितनी देर में वो आएंगे और क्या इतने खर्चा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे समझिए आप इस चीज़ को कितना मुश्किल टास्क है तो इसीलिए इनकी जो हेल्प है ये या यही कंट्री मतलब भारत या म्यांमारी कर सकता है ऐसे इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कितनी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ टच में है इंडिया की तो ये भी पूछ सकते हैं या फिर उन ये पूछ सकते हैं कि इन चार ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सी स्टेट है जो टच में नहीं है और सेवन सिस्टर में से सभी सेवन सिस्टर नहीं है तो आपको यही ध्यान रखना कि वेस्ट बंगाल असाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम इसको ए टी एम एम से याद रख सकते हो ए टी एम तो आपको पता है साथ में एक एम मोड लगा देना यानी कि असम और टी से त्रिपुरा एम से मिजोरम और मेघालय ठीक है मेघालय तो ये क्या है ये हमारी सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं ए टी एम एम लेकिन एक वेस्ट बंगाल को भूल मत जाना क्योंकि वेस्ट बंगाल के साथ तो टच में है ये ये तो हर बच्चे को पता होगा तो अगर कल को पूछ ले कि नागालैंड तो नागालैंड बांग्लादेश के टच में नहीं है आप देखिए खुद से ही असम का पूछ ले तो असम है ये देखो आप मेघालय का पूछ ले है और त्रिपुरा का पूछ ले ये भी है तो आपको इजीली मैप के थ्रू हर चीज़ को समझना है तो आप जल्दी पकड़ पाएंगे और बॉर्डर लेंथ 4096.7 किलोमीटर है ठीक है तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर लेंथ है जो कोई कंट्री शेयर करती है इंडिया के साथ क्यों क्योंकि आप देखिए कि कितना ज्यादा एरिया शेयर कर रही है तो इस वजह से हर तरफ से ही तो घिरा हुआ है इंडिया से नेक्स्ट है बॉर्डर का नेम जो है देखिए पाकिस्तान के साथ रेड क्लीफ लाइन बनती है इंडिया की तो यहाँ भी रेड क्लीफ ही लाइन है लेकिन अब क्या है कि अब इसको हम जो लाइंस है ना लाइंस वाले में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहाँ पे बस मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ लाइंस वाले में अलग चीज़ें हैं जो हमारी इंटरनेशनल लाइंस है ना उसकी वीडियो देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स डाल दूंगा जैसे जैसे हमारी ये सेशन्स आते रहेंगे तो वो इंटरनेशनल लाइंस वाली वीडियो देखना वहां पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें कम्पैक्ट रखनी पड़ेगी चीज़ें तो ये वही रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी क्योंकि ये भी पाकिस्तान का पार्ट होता था पहले तो एक तरह से वही समझ लीजिए कि रेड क्लिफ लाइन है लेकिन इसमें कुछ और भी हैं चीज़ें वो हम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस में ही डिस्कस करेंगे आगे अब नेक्स्ट है हमारा चाउमाऊ चाउमाऊ बोले तो चाइना अब नेबरिंग कंट्री है तो इसके बारे में तो आपको मालूम ही है कि कितना शैतान है ये आप देखिए कि कहाँ कहाँ से ये हमें परेशान करता है ये पूरे का पूरा कैपिटल इसकी बीजिंग है हमें पता है करेंसी रन है ये भी सबको पता है युआन ये भी सबको मालूम है मतलब मोटी मोटी चीजें देखिए कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पहले से ही माइंड में रहती हैं अब उनके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगानी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुरंत कर याद कर लेनी है याद क्या वो वैसे भी दिमाग में है ही है प्रेजिडेंट शी जिनपिंग अब इस चाऊमाओं का नाम किसने किसको नहीं पता है नहीं पता तो तुम इस दुनिया में रह ही नहीं रहे हो फिर ये जितना इसने परेशान कर रखा है तो इसका नाम तो वैसे ही तुम्हें याद होना चाहिए तुम भारत के हो ही नहीं फिर नेशनल एंथम मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स ये न, इनके नेशनल एंथम का नाम है लैंग्वेज मंदारिन मंदारिन के बारे में भी पहले से दस लोगों को पता होगा कि मंदारिन वहां पे जो लोकल डायलेक्ट है वो मंदारिन है ठीक है यानी चाइनीज की फॉर्म ही एक मान लीजिए उसको पार्लियामेंट बोलें तो नेशनल पीपल्स असेंबली और इंडिपेंडेंस डे है एक अक्टूबर नाइनटीन समझिए इस चीज़ को यह भारत के बाद आज़ाद होता है इंडिया पहले हो जाता है ठीक है और ये बाद में आजाद होता है लेकिन आज इनकी इकोनॉमी कहां पे है और हमारी कहां पे है। तो आप समझिए कि कितना दिक्कत भरी बात है अभी आपको समझाऊंगा कि इसको और क्या क्या फायदे मिले हैं वो आपको मैप के अंदर समझ आएंगी ठीक है अब नेशनल सिंबल्स ऑफ चाइना की बात करें तो नेशनल फ्लावर है प्लम ब्लॉसम नेशनल फ्रूट है फुजी कीवी फ्रूट कीवी का तो नाम सुना सुनाओ कीवी खाते भी हो ना तुम लोग तो बस वही है ये जो जो बुखार वगैरह में दी जाती है टाइफाइड वगैरह में डेंगू में तो जुजुबे और फुजी कीवी फ्रूट ठीक है नेशनल ट्री गिंक गो गिंक गो ठीक है नेशनल बर्ड रेड क्राउंड क्रेन एक क्रेन जिसके ऊपर लाल लाल सा Crown पहना हुआ नेशनल एनिमल है पांडा पांडा मतलब भालू जैसा होता है वो सफेद सा तो जायट पांडा ड्रैगन अब ये ड्रैगन तो इसको वैसे ही बोलते हैं तो वहां से भी याद रहेगा ये चीज आइए इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन काम की जानते हैं कि चाइना जो है आप देखिए चाइना को फायदा कहाँ मिलता है ये सारे का सारा चाइना है ये देखो ये सारे का सारा चाइना है अब चाइना की देखिए बाउंड्री कहां कहा जुड़ी हुई है चाइना की बाउंड्री नेपाल से बेशक से जुड़ी है, लेकिन यहां पे क्योंकि हिमालयाज हैं तो ज्यादा कोई बेनिफिट मिल नहीं सकता है अब देखो चाइना इंडिया के साथ भी हर तरफ से जुड़ा हुआ है चाइना इधर देखो इधर और इधर ठीक है ये कौन कौन सी कंट्री आ गई अफगानिस्तान तजाकिस्तान मैंने कहने का मतलब कि जो इधर सी कंट्रीज हैं इधर की कंट्रीज इनसे भी जुड़ा हुआ है चाइना और अब यहां पे देखिए मैप के अंदर नहीं दिख रहा ऊपर जो है रशिया वगैरह से भी जुड़ा हुआ है कहने का मतलब अब समझिए और ये पूरे का पूरा चाइना है तो ये इधर म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है और ये इधर भूटान से भी जुड़ा हुआ है तो एक्सक्यूज मी यार तबीयत थोड़ी सी नासाज हो रखी तो कहने का मतलब है कि चाइना को अपनी जो बाउंड्री है उसका हर तरफ से फायदा मिल रहा है तो आप देखिए कि इतनी सारी कंट्रीज़ से चाइना जुड़ा हुआ है जिस वजह से व्यापार करना बहुत ही आसान है इधर भी कर सकता है ऊपर रशिया के साथ भी कर सकता है इधर भी कर सकता है जापान के साथ तो उस तरफ भी कर सकता है ठीक है उस तरफ भी आसान है इसके लिए कोई मुश्किल बा, बात नहीं है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये ईजीली एकदम से व्यापार कर सकता है और आप समझिए कि यही तो काम की बात होती है कि अगर आपकी कंट्री हर तरफ से ऐसी ऐसी कंट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई है ऊपर से फिर ये इधर सी आ जाता है तो वहां का फायदा इसको मिल सकता है मतलब ये व्यापार के लिए बहुत ही शानदार जगह हो गई एक तरह से आप समझिए कि कहीं पे भी इजीली जाना आना जाना आना जाना इजीली इजीली और ना ज़्यादा कॉस्ट लगेगी तो ये अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसीलिए चाइना की एक ये जो एडवांटेज है ज्योग्राफिकल एडवांटेज उसने इसको बहुत व्यापार में बढ़ने में हेल्प की है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये टच में है आप भारत की बात करें तो भारत कहाँ पे है देखिए आप इधर पाकिस्तान है ये बांग्लादेश भूटान वगैरह ये वैसे ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं म्यांमार से हमें वैसी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए नीचे एक श्रीलंका है वो वैसे ही परेशान रहते हैं उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं है तो हमारे आसपास कोई है ही नहीं एक चाइना ही है जिसके साथ हम व्यापार कर सकते हैं मतलब अगर इंडिया के साथ किसी को व्यापार करना है तो पूरा गोलमोल सा घूम के आना पड़ेगा उसको इसी समुद्र के रास्ते से आना पड़ेगा कहने का ये मतलब है तो एक समुद्र की एडवांटेज है हमारे पास लेकिन अगर हम बोलें कि लैंड बॉर्डर्स की एडवांटेज तो वो उतनी ही नहीं है इंडिया के पास ठीक है इंडिया इस वक्त जिन लोगों से घिरा हुआ है किसी काम के नहीं है सम, सम, इस सिंपल सी बात ये है कि आपके पड़ोसी कोई खास बात है नहीं पड़ोसियों में सिंपल बात ये है ऐसे ही आप देखिए कि चाइना और इंडिया के अंदर की कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम ये देखो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अब जे एंड के तो ये है और ये पूरे का पूरा लद्दाख है तो ये लद्दाख चाइना के साथ लगा हुआ है गए ऐसे हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ उत्तराखंड चाइना के साथ ये तो नेपाल आ गया सिक्किम चाइना के साथ लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ लगा हुआ है तो वही सारे हैं ये सारे के सारे ठीक है इसको आप याद भी कर सकते सुलह सुलह वर्ड से भी याद कर सकते जैसे भी आप करना चाहें ठीक है आप अपनी भी कोई बना लीजिएगा ट्रिक कोई बड़ी बात नहीं है बॉर्डर लेंथ है थ्री फोर डबल एट किलोमीटर और बॉर्डर नेम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लद्दाख वाली साइड पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई और इस तरफ जो है वो मैकमोन लाइन हो गई अरुणाचल प्रदेश की तरफ ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ की अगर आपको टेस्ट बुक का पास लेना है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेस्ट बुक के पास में अभी क्या मिल रहा है एटीन मंथ्स का आपको मिल रहा है मतलब कि पहले एक साल का जो मिलता था अब एटीन मंथ्स का सिक्स मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और कॉस्ट देखिए कि तीन है जी वी कोड यूज़ करेंगे तो थर्टी ऑफ मिल जाएगा और साथ में क्या है आप ध्यान दीजिएगा ये लिखा भी हुआ है कि जो अट्ठाईस से इकतीस मार्च के बीच में करेगा ये इकत्तीस मार्च तक ही है तो उसमें क्या है डेली वन लकी यूज़र को आईपैड भी मिलेगा तो जो परचेज़ करेगा तो उसके बाद उसको एक लिंक भेजा जाएगा जिसमें आप अगर आईपीएल की टीम कौन जीतेगी ये बता देंगे तो आपके चाह हो सकता है मे ठीक है हो सकता है कि आपको वो आईपैड मिल जाए ठीक है आपको आईपीएल देखना नहीं है सिर्फ प्रिडिक्ट करना है पढ़ना है आपको आईपीएल की बस ही करनी है कहीं बैठ जाओ टीवी में देख रहे हो आईपीएल है ना ये सब काम मत करना। तो इसका जितना भी है, सारे के सारे में तो ऐसी बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो ये ले लेना आए, अब हम इसकी बात करते हैं यही तो है हमारा दुश्मन है ना चाइना भी ऐसा ही ये भी ऐसा ही सब हमें पेलने में लगे हुए हैं अब किसी दिन ये दोनों रगड़े गए ना तो उस दिन फिर पता नहीं क्या होगा है ना आइए कैपिटल इस्लामाबाद है पता है हमें करेंसी पाकिस्तानी रुपी है ये भी हमें मालूम है पहले से ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसका किसको नहीं पता है ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या मांगने जाता है सबको मालूम है है ना अभी रशिया में भी गया था क्या लेके आया है लस्सी और करा ली अपनी प्रेजिडेंट आरिफ अलवी है तो ये कई बार प्रेजिडेंट याद नहीं रहता तो आरिफ अलवी याद रखना नेशनल एंथम कौमी तराना नेशनल लैंग्वेज उर्दू और नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है मतलब मोटी मोटी चीजें तो हमें पता ही है यार इसके बारे में इंडिपेंडेंस डे अब इंडिया का एक दिन बाद है इसका एक दिन पहले है तो 14 अगस्त उन्नीस इंडिया का 15 अगस्त उन्नीस है पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली एंड सीनेट समझ गए इस चीज को नेशनल फ्लावर कॉमन जैस्मिन ये कॉमन ही कंट्री है और इनका कॉमन ही जैस्मिन है नेशनल फ्रूट है मैंगो समर में और गुआवा विंटर में मतलब ये बढ़िया है इनका मतलब <laughs> कि गर्मियों में इन्होंने अपना नेशनल फ्रूट मैंगो बना लिया और सर्दियों में गुवाबा बना लिया बताओ क्या चल रहा है यार दुनिया में नेशनल ट्री हिमालयन सिदार और नेशनल बर्ड है चूकर पार्ट्रिज इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा ये तीन चार चीजें ऐसी हैं इनको याद कर लेना और नेशनल एनिमल मारखोर हराम खोर साहब मुंह में आ रहा है ना तो मारखोर ठीक है ये हो गया ये याद कर लेना इसके बारे में चलो अब पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया अफगानिस्तान ईरान आप देखिए इधर इनके मैप को हटाऊं पहले मैं इसको यूं लगा रखा है झंडे को देखिए कि ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है दिख रहा होगा अब आपको अफगानिस्तान के साथ कर रहा है ठीक है और ईरान इधर है ठीक है इधर ईरान के साथ भी करता है और इंडिया के साथ तो ये है ही है जो हमारी नाक में दम कर रखा तो ये तीन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अब बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ये तो है ही है ये देखो ये इतना सा जम्मू कश्मीर हो गया और ये बाकी का लद्दाख हो गया सभी पाकिस्तान के टच में है पंजाब तो है ही है तो इधर राजस्थान है इधर गुजरात है तो ये सभी के सभी जो है पाकिस्तान के टच में है ये आप देख सकते हैं और आपको कमाल की बात बताऊँ ना कि अगर जैसे ये लोग हमसे कश्मीर मांगते हैं तो मैं आपको बताऊं कि महाराजा रंजीत सिंह हुए हैं पंजाब के अंदर जिन्होंने क्या किया है कि पूरे अफगानिस्तान के एंड तक पूरे का पूरा भारत बना दिया था यानी कि ये पूरे का पूरा भारत ही था ठीक है ये था पूरा भारत उन्होंने यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया था इंडिया को पूरे को अब कहने की बात यह है कि मतलब एक तरह से उस टाइम पे तो पंजाब होता था तो पंजाब को आप समझिए कि पंजाब कितना बड़ा हो गया था ये सारा ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे का सारा पंजाब हो गया था उस टाइम पे तो अब जैसे ये लोग हमसे मांगते हैं कश्मीर तो हम ऐसे मुंह उठा के हम भी बोल दें कि भैया हम तो यहाँ तक है हमारा जितना भी शेयर है है ना तो फिर वो तो वही वाली बात हो जाती है चलिए ये तो इतिहास की बात रही चलो आगे बढ़ते हैं बॉर्डर लेंथ इसमें बता दिए है। नेम है एल चाइना वाली एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये एल है इसके ऊपर ये मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया है ना लाइन ऑफ कंट्रोल लेकिन ये कंट्रोल में रहते नहीं है आइए अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं आप थोड़े दिन पहले बहुत सुर्खियों में रहा अफगानिस्तान आपको मालूम ही है कि तख्ता पलट रहा है यहाँ पे तो चलिए जो भी है तालिबानी तालिबानी है ना कैपिटल काबुल है करंसी अफगानी है और प्रेसिडेंट अब्दुल घनी बरादरी फर्स्ट एक्टिंग पीएम इसको एक तरह से मान लीजिएगा कि फर्स्ट एक्टिंग पीएम है ये ठीक है प्रेसिडेंट की जगह फर्स्ट एक्टिंग पीएम बोलना चाहिए नेशनल एंथम मिली सुरूद ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो एंड दरी इसको सबको याद कर लेना क्योंकि ये कंट्री रही है अभी हाइलाइट्स में रही है पिछले एक डेढ़ साल के अंदर तो इसलिए इसको याद कर लेना ऐसी यूक्रेन है तो यूक्रेन भी रहा है लेकिन अब वो हमारी नेबरिंग कंट्री नहीं है तो फिर उसके बारे में अब सब कुछ याद करना है तो कर लेना करना है तो रशिया और यूक्रेन रहे हैं ठीक है अभी आपको मालूम है कि ये दोनों बहुत पिक्चर में रहे हैं तो उनके बारे में याद करना तो कर लीजिएगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज़ का बता रहा हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो एंड दरी ये मालूम होना चाहिए कि ये बहुत लोगों को वैसे भी पता होगा कि पश्तो और दरी लैंग्वेज में वहाँ पे गाने भी बनते हैं पश्तो और दरी लैंग्वेज में नेशनल स्पोर्ट्स है बुसकाशी और इंडिपेंडेंस डे इनका 19 अगस्त 1919 में ठीक है तो ये आई थिंक अगर मेरे को दिमाग में आ रहा है तो उन्नीस में ही जलिया वाला बाग कांड भी हुआ है क्या जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है तो वहाँ से आपको शायद ये याद रहेगा ठीक है तो ये ब्रिटिश से पहले ही आज़ाद हो गया था मतलब हमसे पहले आज़ाद हो गए हैं ये देखो आप है ना जबरदस्त बात हम पीछे रह गए थोड़ा सा क्यों रहे हम पीछे क्या हो रहा था इंडिया में ऐसा हम पीछे क्यों रह गए ये पहले क्यों आजाद हो गए बताना जरूर मेरे को पार्लियामेंट का नाम है शोरा ठीक है भाई शोरा अफगानिस्तान का शोरा अब देखिए नेशनल सिंबल ऑफ अफगानिस्तान तो नेशनल फ्लावर है ट्यूलिप नेशनल फ्रूट है पोमीग्रेट यानी कि अनार नेशनल ट्री है अफगान पाइन नेशनल बर्ड गोल्डन ईगल अब गोल्डन जैसा कुछ है तो है नहीं यहां पे, बट चलिए याद कर लीजिए कि गोल्डन ईगल है नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड बर्फ वाला तेंदुआ ओके आगे बढ़ते हैं अब अफगानिस्तान का बॉर्डर है जो माउंटेनस लैंड लॉक्ड कंट्री है ये पूरी की पूरी मतलब कि माउंटेंस है और पूरी की पूरी लैंड लॉक्ड है चारों तरफ से आप देखिए कि इधर से तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान इधर पाकिस्तान जितने भी स्थान हैं अफगानिस्तान के साथ हर जगह से जुड़े पड़े हैं और फिर इसका ये देखो यहाँ पर चाइना के साथ भी जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ ड्यूरेंट लाइन है इसकी और पाकिस्तान के साथ जो लाइन है वो भी ड्यूरेंट लाइन है ये लाइन्स हमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल लाइन्स का भी पढ़ लेना ये सभी जितने भी सेशनस है बहुत इंपॉर्टेंट है मैं सभी का पूरा लिस्ट दे दूंगा नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सब पढ़ लेना ये सारे के सारी वीडियोस देख लेना काम की है और सिर्फ पीडीएफ से नहीं होगा कुछ पी तो मैं दे ही रहा हूँ अपने पीडीएफ कोर्स में यहाँ पे और आपको वीडियो को देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता जाता हूँ ऐसे ही इंडिया अफगानिस्तान जो बॉर्डर है तो वो लद्दाख पे ही है मैंने पहली बता दिया ये देखो आप ये तो लद्दाख से ही तो जुड़ा हुआ है ये जे एंड के तो सिर्फ इतना सा मैं बार बार बताता जा रहा हूँ अब चेंज हो गया ठीक है तो ये पूरा लद्दाख है तो लद्दाख के साथ जुड़ रहा है लाइन है वहाँ पे और 106 किलोमीटर बहुत ही छोटा बॉर्डर है अगर लैंड बॉर्डर की बात करें तो सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया का यही शेयर होता है लैंड बॉर्डर की बात कर रहा हूँ वाटर बॉर्डर की बात नहीं कर रहा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इंटरनेशनल लाइन्स वाली वीडियो ज़रूर देखना वो अलग वीडियो है बॉर्डर नेम ड्यूरेंट लाइन लिख दिया तो उसमें इंटरनेशनल लाइन्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट आता है नेपाल का काठमांडू यहाँ की कैपिटल है नेपाल है कहाँ पे ये देखिए ये राय नेपाल और क्योंकि ये पूरे का पूरा नेपाल यहाँ पे हिमालय से ढका हुआ है तो ये चाहे भी तो चाइना से हेल्प नहीं ले सकते मैंने पहले भी अपनी ज्योग्राफी की कंप्लीट वीडियो में बताया था तो इसे भारत से ही हेल्प लेनी पड़ेगी और इसके इतना दुर्भाग्य है कि कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान वाली बात है कि ये अपनी इकोनॉमी को अगर चलाना चाहता है तो केवल और केवल भारत के साथ ही चला सकता है और किसी कंट्री के साथ इसका कोई टच ही नहीं है तो ये कहीं पे भी अपना ना एक्सपोर्ट इजीली कर सकता है ना इंपोर्ट इजीली कर सकता है इसको भारत की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है चाइना से हेल्प लेना भी जाएगा तो वो पहाड़ को काट के तो चाइना वाले घुस नहीं जाएंगे अंदर तो उनको ऊपर एयर से आना पड़ेगा एयर से खर्चा इतना पड़ जाता है कि यहाँ पर महंगाई बहुत 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 बढ़ जाएगी तो इसीलिए इसको अपना व्यापार चलाना है तो फिर भारत की हेल्प इसे लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां से इजीली सामान चल जा सकता है यहां पे समझ रहे हैं आप कितना इजी है यहां पे जाना और माउंटेन्स का ये फ़ायदा है कि नेपाल को कोई फतेह नहीं कर सकता क्यों क्योंकि इसके पास इतने इतने बड़े पहाड़ हैं कि वहां वो ऊपर खड़े होकर हम पे गोलियां बरसाएंगे मतलब कोई इसको फतेह करना चाहिए किसी की भी बात कर रहा हूँ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ तो वो दुश्मन पे ऊपर से बरसाएंगे गोलियां और नीचे वाला कैसे ऊपर चढ़ेगा कई सारी समस्याएं हैं यहाँ पे तो इसीलिए नेपाल को फ़तेह करना बहुत मुश्किल टास्क है करेंसी नेपालीज रूपी हो गया और प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर द्यूबा और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट अभी कंसीडर हो रही है आपको मालूम होगा कि पहले भी यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्रेम वगैरह कुछ हो रहा था जो भी था तो उसमें हम घुसेंगे नहीं लेकिन फर्स्ट प्रेजिडेंट वीमेन पूछ ले तो विद्या देवी भंडारी कर देना इसका उत्तर नेशनल एंथम है वुवेन फॉर वुवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स वुवन मतलब कि बुनना ठीक है बुनना यानी कि हंड्रेड ऑफ फ्लावर्स से जिस चीज को बुना गया हो वो नेशनल एंथम है इनका लैंग्वेज है जो नेपाली और नेपालीज, जैसे नेपालीज है ना नेशनल स्पोर्ट हो गया वॉलीबॉल और पार्लियामेंट हो गया संघीय संसद या फिर फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल बढ़े आगे चलिए नेशनल फ्लावर की बात करें तो रोडोडेंड्रोन ये नेशनल फ्लावर हो गया याद कर लेना ये सारी की सारी चीजें नेशनल ट्री हो गया फिकस रिलीजियोसा यानी पीपल जो है ये एक्चुअल नाम लिख दिया उसका ठीक है एक्चुअल नाम के हिसाब से ही बात करती है एसएससी अब ऐसी नॉर्मल दे देगा तो पीपल दे देगा दे 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 तो वो कर लेना ऐसे यहाँ भी ये एक्चुअल नाम है ये फिर आगे लिख दिया दूसरा नाम नेशनल बर्ड है हिमालयन मोनाल हिमालयन मोनाल और नेशनल एनिमल हो गया इनका गाओ यानी कि गाय ठीक है भाई तो ये नेपाल हो गया अब इसके बारे में और देखने कुछ है शेयर बॉर्डर विद इंडिया एंड चाइना मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि इंडिया और चाइना के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है इसीलिए इसको इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है बॉर्डरिंग स्टेट्स ये सिक्किम वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये देखिए ना मैप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये बिहार लगाओ इधर सिक्किम लगाओ सब तो दिख रहा है आपको तो मैप के थ्रू देखेंगे तो जल्दी याद होगा ठीक है लैंड और बॉर्डर की लेंथ है सत्रह किलोमीटर आगे बढ़ते हैं भूटान की बात करें तो कैपिटल है भूटान की थिंपू भूटान ये रहा ये देखो ये रहा ठीक है हमने पासिस की वीडियो भी अलग बनाई है उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि भूटान में भी विवाद रहा था आपको याद होगा कि चाइना बार बार पिंच कर रहा था यहाँ पे भी जो पासिस का इशू था तो वो वहीं पे भूटान वाले में ही पड़ेंगे तो कैपिटल थिंपू होगी करेंसी भूटानीज नगल हो गई ऐसी प्राइम मिनिस्टर है जो लोटे शेयरिंग लोटे शेयरिंग टी शायद साइलेंट रहेगा यहाँ तो लोटे शेयरिंग ऐसे नाम याद रखना और मोनार्क की बात करें तो जिगमे खेसार यार वांग चुक अब जितना याद होता है कर लो यार कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं ऐसा याद ना भी करो थोड़ा आइडिया रहे दिमाग में तो काम हो जाएगा क्योंकि एस एस ऐसी चीज़ें पूछ रही है तो क्या करोगे नहीं करोगे हैं पढ़ना तो है ना कम से कम एटलीस्ट दिमाग में तो रहे कि ये वाग चुक वाग चुक उससे भी याद रख लोगे थ्री इडियट वाले से है ना तो वहाँ से थोड़ा याद रहेगा नेशनल एंथम ड्रक सेंडेन ये भूटान देखिए थोड़ा सा अजीब है यहाँ पर सब कुछ ये चाइनीस लोकेशन टाइप ही है यहां भी सब कुछ ठीक है तो इसलिए याद करना मुश्किल होएगा आपके लिए ड्रग चाइना वाला इजी है याद करना भूटान वाला मुश्किल है लैंग्वेज है जोंग खा जोंग खा और नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी अब ये तो याद कर ही लोगे ठीक है और पार्लियामेंट है शोगड़ू शोगडू ठीक है चलो आगे बढ़े नेशनल फ्लावर हिमालयन ब्लू पॉपी आप देखिए कि जहाँ पे जितनी भी स्टेट्स या कंट्रीज़ पड़ रही है ना उनका हिमालय से ही लेना देना ज़्यादा है हिमालयन वाली चीज़ों से हिमालयन ब्लू पॉपी है और नेशनल ट्री जो हो गया हिमालयन सिप्रस हो गया ऐसी नेशनल बर्ड हो गया रेवन रावन नहीं रेवन आपको रावण से याद रखना तो रावण से याद रख लो नेशनल एनिमल हो गया टेकिन ठीक है टेकिन टेकन थ्री जो गेम आती थी ना उससे याद रख सकते हो और ये देखो ये भी ड्रैगन से ही छापता है अपने ऊपर अब पता नहीं ये ड्रैगन है क्या चाइना ड्रैगन है <laughs> ये तो छोटू सा है ये क्या ड्रैगन बनेगा चलो और भूटान का बॉर्डर है जो तिब्बत और नेपाल के साथ पड़ता है तो आप देख लीजिएगा ये इधर तिब्बत पड़ रहा है पूरे का पूरे ये नेपाल है बट ये नेपाल के साथ भी कुछ खास इसका ऐसा बॉर्डर पड़ता नहीं है ये ऐसे ही लिख दिया गया है क्योंकि नेपाल के साथ नेपाल सिर्फ चाइना के साथ ही टच में है और इंडिया के साथ तो ये कायदे से नेपाल होना नहीं चाहिए है ठीक है भूटान शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया एंड चाइना होना चाहिए मेनली ठीक है यानी इधर चाइना से और इधर इंडिया से बांग्लादेश के साथ भी ये शेयर नहीं करता है बॉर्डर ध्यान देना इस बात को तो ये 700 किलोमीटर के लगभग एरिया है आगे म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार यानी बर्मा ये रहा म्यांमार ठीक है ओल्ड नेम बर्मा है कैपिटल है नेपिटो तो, नेपिटो तो, और करेंसी है कयात स्टेट हेड है मिन ओंग लियांग कमांडर इन चीफ जो भी है यार पढ़ लो इसको एक बारी मैं बार बार बोल रहा हूँ ये थोड़े अजीबों गरीब हैं और इनके अंदर कोई ट्रिक नहीं चल सकती क्या ट्रिक रखोगे आऊ माऊँ चाऊँ कितनी आऊँ माऊँ चाऊँ में ट्रिक्स रखोगे सभी तो आऊँ माऊँ चाऊँ ही है हमारे अगल बगल तो क्या करोगे कहाँ पे ट्रिक लगाओगे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ध्यान रहेगा बस तो हो जाएगा ऐसा नहीं कि पूरा याद करने बैठ गए बस इसको देख लिया ना तो अब ध्यान रहेगा तुम्हें कि म्यांमार में ये है प्रेजिडेंट है विन मिंट स्वे ठीक है ये पहले मिलिट्री कोप हुआ करते थे और नेशनल एंथम है काबा में कए या ऐसे समझ लीजिए कि काबा काबा होता है ना जैसे मक्का काबा काबा में गए वहां से याद रख सकते हो नेशनल एंथम काबा में गए नेशनल लैंग्वेज बर्मीज तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा नेशनल इंडिपेंडेंस डे फोर्थ जनवरी 1948 भारत से एक साल बाद आजाद होता है ये और लेकिन यहाँ पे फोर्थ जनवरी रहेगा ओके भाई पार्लियामेंट का नाम पी पी डू लुटा भाई मेरे को ही प्रनसिएट करने में इतना मुश्किल हो रहा है आपका क्या हाल होगा अभी देख लो बस एक क्या है है ना ऐसी ओंग सान सू की ये तो याद हो जाएगा ओंग सान सू की ये तो आसान है है ना स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यनमार बिफोर द मिलिट्री को है ये और नेशनल सिंबल्स ऑफ म्यनमार की बात करते हैं आप मेन बात पे आते हैं क्योंकि ये इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ये शायद ना भी पूछे इतना अजीबो गरीब बट ये जरूर पूछ सकते हैं नेशनल फ्लावर है पदोक नेशनल बर्ड ग्रीन पीफाउल और नेशनल एनिमल टाइगर हो गया नेशनल स्पोर्ट्स चिनलॉन हो गया ठीक है चिनलॉन हो गया ये नेप का झंडा है बीच में इसके तारा है एक बॉर्डर की बात करते हैं म्यांमार शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया बांग्लादेश चाइना लाओस थाईलैंड थाईलैंड इधर पड़ता है ठीक है इधर पड़ता है आगे जाके दिखा दूंगा अगर टाइम लगा नहीं तो इंटरनेशनल लाइंस वाली वीडियो देख लेना उसके अंदर सब बता बता रखा है मैंने तो ये इनके साथ ये बांग्लादेश के साथ वो कर ही रहा है तो ये तो पहले ही मैंने बता दिया इंडिया के साथ भी करियर है ये देखो ना आप पूरा ये भारत के साथ ही तो टच में है ये सारे का सारा अब इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स ये पूछ लेता है ये काम का सवाल है सबसे बड़ा एक तो ये और एक ये ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने यहाँ डाल दिए हैं तो इंडिया म्यांमार में, में ये पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है या तो वो सारी स्टेट्स ऐसे लिख देगा या फिर बोलेगा कौन सी स्टेट ऐसे जिससे नहीं करता है तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है नागालैंड के साथ कर रहा है और मणिपुर के साथ कर रहा है मिजोरम के साथ कर रहा है त्रिपुरा के साथ कर रहा है असम के साथ पूछेगा तो असम देखिए इधर इधर लॉक हो चुका है असम असम जो है वो इधर ही लॉक हो गया है तो असम के साथ म्यांमार नहीं कर सकता है ओके और बस यही था मेन इसके अंदर और मेघालय जो मेघालय भी यही लॉकड है तो असम और मेघालय तो यहीं लॉकड है भैया उनके साथ तो कैसे कर लेगा ठीक है तो बस ये दो नहीं है बाकी क्या है बॉर्डर लेंथ सिक्सटीन फोर्टी थ्री किलोमीटर होगी चलिए अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ अभी बहुत पड़ा है एक और मैं आपको बात बता दूं कि जीएस का रामबाण अगर आपने अभी तक नहीं लिया है भाई तो ये सभी पीडीएफ जितनी भी अभी मैं बना रहा हूं स्पेशल वीडियोस ये सारी जीएस के रामबाण में एक तो मिल जाएंगे आपको जी का रामबाण क्या है ये पूरे का पूरा स्कोर बूस्टर पी डी एफ़्स हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद ही खुद समझ आ रहा होगा कि कितने सारे ऐसे सवाल हैं जो एसएससी पूछ सकता है वो सभी कवर कर दिए गए हैं लगभग 51 प्लस या 52 प्लस पीडीएफ्स हैं हालांकि अभी ये जो मैं सेशंस ले रहा हूँ इनकी भी पी मिल रही मिल रही होंगी उसके अंदर तो साठ सत्तर पी चली जाएंगी ये समझो इस चीज़ को और पिक्टोरियल और कलरफुल शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की और ये प्रीमियम पी हैं भाई बहुत ईजिली आपको पिक्चर्स और स्टोरीज़ की फॉर्म में याद करवाने की कोशिश है तो इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं बस साइंस और इकोनॉमिक्स को छोड़ के मैं क्लियर कट बता रहा हूँ क्योंकि उस हमें क्वालिटी प्रोवाइड करनी है ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है जिसमें पेपर में सवाल आ सके तो जोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी मिसलेनियस पी जितनी भी हैं तो अभी ये फिफ्टी परसेंट ऑफ पर मिल रहा है आपको इसके अंदर सारे का सारा कंटेंट अंडर वन अम्ब्रेला है और मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट कहीं मार्केट में है ही नहीं इतना कलरफुल इतना इजी टू अंडरस्टैंड कि है सारा इंग्लिश में लेकिन एक हिंदी वाले बच्चे को भी इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया ये है क्या चीज़ ठीक है तो आपको देखना आपकी कॉल है आप इन सेशंस को देखने के बाद अगर जज नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे ज्योग्राफी की एक वीडियो मैराथन वाली डाल देता हूँ हिस्ट्री की मैराथन वाली वीडियो डाल देता हूँ उनको देख लेना खुद ही जजमेंट हो जाएगी कि भैया काम के सेशन्स हैं कि नहीं है हम सही नॉलेज ईजी टू अंडरस्टैंड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो वहीं से आप इनको सोच के ले सकते हैं ये हमें आपको यहाँ पर ई करनी है हमें ठीक है और 50 परसेंट ऑफर भी मिल रहा है उसके बाद कभी भी बंद हो जाएगा तो जीएस लेनी है तो 149 केवल 149 यार कुछ भी नहीं है ठीक है ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपना सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें दे सके इस वजह से हमने इतनी लो कॉस्ट रखी है और अगर आपको कैलकुलेटिव अर्थमेटिक के नोट्स भी साथ में चाहिए हैं जो बहुत काम के हैं इतना ज्यादा उसके अंदर कंसेप्ट सेग्रीगेशन है कि आपने देखे ही नहीं होंगे और वो हजार सवाल ऐसे हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं 299 के हैं भैया तो ये जो है ये आपको मेंस में बहुत सारे काम आ जाएंगे टोटल 299 का है जीएस प्लस अरिथमेटिक कोर्स तो ये सभी पी आप ले सकते हैं ये हमारे नंबर हैं जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं ये लिखी हुई है पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में भी सारी की सारी प्रोसेस लिख दूंगा पचास ऑफ कभी भी खत्म हो सकता है आपके पास ये कुछ ही दिन का मौका है तुरंत तो इसको अवेल कर लीजिएगा एस एस सी सी एच एस एल एम टी एस सी जी एल आर आर बी इन सब में ये यूजफुल है क्योंकि इन सब का सिलेबस सेम है तो इसीलिए हमने उसी एंगल से ये सब कुछ डिजाइन कर रखा है बाकी आपकी अपनी कॉल है मैं तो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता हूँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया श्रीलंका जो है ये नेबरिंग कंट्री है आपको मालूम है ये देखिए श्रीलंका ये रहा और ओल्ड नेम इसका सिलोन हुआ करता था और श्री जयवर्धन है ये वाली इसकी क्या होगी कैपिटल हो गई और ये जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है लेकिन अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव कैपिटल की तो कोलंबो जो है एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल कैपिटल है करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रूपी देखिए कई जगह पर रुपी आई है पाकिस्तान नेपाल इंडिया श्रीलंका सब जगह पर रुपी है लेकिन अपना अपना रूपी है समझिए इस चीज को प्राइम मिनिस्टर जो है महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेजिडेंट गोटा है गोटाबाया राजपक्षे हैं यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर बच्चे को क्रिएट हो जाएगी पेपर में प्राइम मिनिस्टर पूछ लेगा

लैंग्वेज है सिन्हाला और तमिल ऐसी इंडिपेंडेंस डे जो है इनका आप देखिए कि इंडिया से इनका भी एक साल के बाद ही हो रहा है तो चार फरवरी 1948 में नेशनल फ्लावर हो गया ब्लू वाटर लिली हो गया इनका भी और नेशनल फ्रूट जैक फ्रूट देखिए आपकी कुछ कुछ चीजें सेम सेम सी आ रही हैं पहले जैसी ही और नेशनल ट्री हो गया सिलोन आयरनवुड नेशनल बर्ड श्रीलंकन जंगल फ्रो और नेशनल स्पोर्ट्स हो गया इनका वॉलीबॉल ये अलग ही है ना ये सेम सेम सा तो नहीं है ना नहीं नहीं सेम तो नहीं है यार पहले भी आया था ना यार ये ऐसा जैक फ्रूट वाला नहीं वो अलग था ठीक है मुझे लगा कहीं वही तो नहीं है स्लाइड ये अलग है वो अलग था ठीक है आइए बॉर्डर्स की बात करें तो एक आइलैंड है ये देखिए कि ये एक आइलैंड कंट्री है और शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद द मालदीव्स एंड इंडिया मालदीव्स किस तरफ है इस तरफ है और इंडिया तो ये है ही है तो इन दोनों के साथ इधर मालदीव्स और इधर इंडिया के साथ ये क्या कर रहा है एक मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है यानी कि समुद्री बॉर्डर शेयर करता है इंडिया श्रीलंका बॉर्डर की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन इंडियन ओशन साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी यानी इधर अरेबियन सी है इधर बे ऑफ बंगाल है तो बस उसकी लोकेशन बताइए और कुछ नहीं किया है और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई द गल्फ़ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ मन्नार ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है और ये जो, जो जोड़ता है इसको पाक स्टेट जोड़ता है ठीक है ऐसे आपको याद रखना है बट ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन्स के अंदर ये मैंने ज़्यादा डिटेल में कवर किया है आगे बढ़ते हैं यही वो जगह है जहाँ पे शादी के बाद लोग जाना चाहते हैं अपने हनीमून पे यानी कि मालदीव्स तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देखते हैं कैपिटल कैपिटल देखो लिख क्या रहा है मेल माल मेल वहाँ से याद रहेगा एम ए एल एम ए एल साथ में ई e लगा दिया ठीक है करेंसी की बात करें तो माल रुफिया रुपया नहीं रुफिया और प्रेसिडेंट की बात करें इब्राहिम मोहम्मद सोलीह नेशनल एंथम है कौमी सलाम कौमी तराना है पाकिस्तान का कौमी सलाम है मालदीव्स का और लैंग्वेज है दिवेही और पार्लियामेंट है पीपल्स मजलिस नेशनल इंडिपेंडेंस डे हो गया इनका 26 जुलाई उन्नीस में भारत के बाद ही है इनका चलो अच्छा है ये तो और मालदीव्स देखिए कहाँ है ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये श्रीलंका है और मालदीव्स यहाँ पे पड़ता है ये देख रहे हैं आप और इसका झंडा भी पाकिस्तान जैसा सही है ये देखो ये रहा मालदीव्स समझ गए बहुत महंगे महंगे होटल्स वगैरह हैं यहाँ तो ईजी नहीं है यहाँ पे ठीक है तो आप देख लीजिए इसकी लोकेशन अब आगे बढ़ते हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ मॉल की बात करें तो नेशनल फ्लावर है पिंक रोज क्योंकि आप इससे भी याद रख सकते हैं कि हनीमून कपल जाते हैं तो पिंक रोज नेशनल फ्रूट कोकोनट लड़की को गुस्सा आ गया कपल को तो उसने अपने पति के सर पे मारा कोकोनट वहाँ से याद रहेगा नेशनल ट्री कोकोनट पाम तो वही चीज़ हो गई है तो नेशनल बर्ड जो है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन और नेशनल एनिमल येलोफिन ट्यूना और नेशनल स्पोर्ट हो गया बाशी एंड फुटबॉल इसके अलावा क्या है इसमें बॉर्डर की बात करें तो मॉल इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशियन तो ये तो है ही इंडियन ओशियन में ही तो है इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया साउथ वेस्ट ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया तो बिल्कुल सही है इसकी लोकेशन और क्या चाहिए तो यही तो बॉर्डर है इसके अंदर तो मेरी टाइम बॉर्डर आएगा ना इसके अंदर लैंड लॉक्ड बॉर्डर थोड़ी आ जाएगा समझ गए चलिए आई होप कि ये पूरे का पूरा सेशन आपको समझ आएगा एकदम क्लैरिटी आपके दिमाग में आई होगी इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं और आपको अब आप कुछ नहीं करना है ये पी डी एफ्स चाहिए आपको ये वाली सारी की सारी हाई प्रीमियम क्वालिटी पी डी एफ़्स हैं ये सब ठीक है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्रोसेस लिखी है पी डी एफ़ की कैसे ले सकते हैं वहाँ जाइए सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो कीजिए गूगल पे फोन पे पेटीएम पे कहीं भी आप हमें नंबर पे पे करके सारी की सारी पी डी एफ़्स ले सकते हैं एक दो पी डी एफ़ नहीं दे रहे सभी पी डी एफ़्स हैं इसके अंदर अवेलेबल ठीक है और बाकी टेस्ट बुक का तो मैंने लिख ही दिया है ओके गाइस आप मैराथन वीडियोज़ भी ज़रूर देख लेना अगर आपका एग्ज़ाम अभी थोड़ा लेट है तो जियोग्राफी की होगी हिस्ट्री की होगी ये सभी मैराथन वीडियोज़ में वो सवाल डाल दिए हैं जो पेपर के अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं आप एक काम जरूर कीजिएगा का कि लाइक कर दो एक तो वीडियो को और इन सभी कंटेंट को सारे प्रीमियम कंटेंट को शेयर ज़रूर करो हर उस बच्चे तक जहां पे इसकी नीड है ठीक है भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर सी यू लव यू ऑल